नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी है, हरियाणा की जेलों में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसमें अंबाला सेंट्रल जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। 6 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। फरीदाबाद जेल में भी 8 कैदी संक्रमित मिले हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, अंबाला के सेंट्रल जेल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। सेंट्रल जेल के अंदर 6 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिन बंदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है वो नए हैं। इनके रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल जेल एसपी का यह कहना है कि जेल में कोरोना से बचाव को लेकर के नियमों की पालना भी की जा रही है, लेकिन लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 6 कैदी एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ये वो कैदी हैं जो कि नए हैं, यानी कि नए बंदी कोरोना संक्रमित मिले हैं। हरियाणा की जेलों तक भी अब कोरोना की दस्तक साफ तौर पर दिख रही है। अंबाला सेंट्रल जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां पर 6 कैदी कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, ये बड़ी खबर है। फरीदाबाद जेल में भी आपको बता दें, इससे पहले 8 कैदी संक्रमित मिले थे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। 6 बंदी पॉजिटिव आए हैं जी, वे सारे नए बंदी थे। इनमें से 2 तो बार से बाहर ही भेज दिए गए थे। 4 बंदी जो आज आए थे, फॉर एग्जांपल, कल उनकी रिपोर्ट आने के बाद उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। सर, कंडीशंस वगैरह कैसी हैं इनकी? जो भी सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट की हिदायतें हैं कोविड से प्रोटोकॉल को लेकर, उन सब की पालना की जा रही है। और इसमें सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि सबका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और बंदियों को अंदर, ताकि वो किसी बाहरी लोग के संपर्क में ना आए और किसी तरीके का संक्रमण अंदर ना फैल सके, उसकी पूरी एहतियात बरती जाती है। सर, मुलाकात को लेकर भी पिछले दिनों आदेश आए थे कि मुलाकात बंद कर दी गई है, अंबाला में क्या कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं? ऐसा है जी, कोई भी अगर कहीं फिजिकल कॉन्टैक्ट है किसी का, मुलाकात या किसी और तरीके से, उस पर सारी पूर्णतः रोक है। पर जो हाई पावर्ड कमेटी हमारी माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की है, उसके आदेश के अनुसार एक मुलाकात जो अलाउड की हुई है, जो इंटरकॉम के माध्यम से है, वो अभी जारी है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हम बंदियों की उनके रिश्तेदारों से करवाते हैं, और टेलीफोन की जो सुविधा है अंदर, वो भी जारी है। सर, 60 साल से ऊपर के जो बंदी हैं, तीसरी डोज जो बूस्टर डोज है, उसको लेकर क्या कब तक लगेगी? अभी जी, जैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इसमें कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, जैसे ही वो कहेंगे कि उपलब्ध हो गई है, तो यहाँ भी अंदर बंदियों की उपलब्धता के अनुसार उनको लगवा दी जाएगी। विस्फोट हुआ है, फरीदाबाद में 8 और अंबाला में 6 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।